तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, माँ बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं, अभी तय नहीं है कहाँ रहेंगे। लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने सीएम हाउस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पितृपक्ष के खत्म होने के बाद नवरात्रि में वह मुख्यमंत्री आवास छोड़ देंगे। केजरीवाल के इस बयान के बाद से आप ने सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते के अंदर अपना घर खाली करेंगे, उनकी सुरक्षा पर सवाल है, एक नहीं कई बार उन पर हमले हुए हैं, इसलिए हमने उनसे कहा कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम सभी चिंतित हैं। सुनिए संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर के और क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती है, अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो, उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे, एक हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, माँ बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है, कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई, ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे, अभी तय नहीं है कहां रहेंगे। लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है, सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले से
उनकी इस राजनीति को जवाब देने का काम किया। अब समय आपका है, दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा।